अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक, बहुत डिफरेंट रेसिपी जो बहुत मज़े की बनती है। यकीनन आपको इसकी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें मैगी चाहिए। 1.5 कप पानी लेंगे, उसको बॉयल कर लेंगे अच्छे से, उसके अंदर मैगी का पैकेट ऐड कर देंगे और उसके साथ जो मसाला मिलता है वो भी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक पानी इसमें से ड्राई नहीं हो जाता। अच्छे से पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है क्योंकि हमें ड्राई मैगी ही चाहिए। पानी तकरीबन हमारा ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियन बारीक कटा हुआ। तो हमारा मैगी तैयार है। तो अब हम तैयार करेंगे ऑमलेट, जिसके लिए हमें चाहिए 3 अंडे। एक बाउल लेंगे और उसके अंदर सारे अंडों को तोड़ लेंगे इस तरह से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और ऐड करेंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। इसको ब्रश कर लेंगे पूरे पैन के अंदर अच्छे से। ऑमलेट तैयार कर लेंगे सारा मटेरियल डालकर। ये ऑमलेट बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप अपने बच्चों को बना कर देंगे तो बहुत मज़े से और शौक से खाएंगे, और आप अपने गेस्ट को भी इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो बहुत यूनिक तरीका है, डिफरेंट तरीका है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। तो अब हम ऐड कर देंगे मैगी अपनी जो हमने तैयार कर ली थी। ऐड करेंगे इसके ऊपर चीज़, मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ मैं। अब हम इसको कर देंगे रोल, एक साइड से इस तरह से रोल करेंगे, दूसरी साइड से भी रोल करेंगे और इसको दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए सेक लेंगे और इसको प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक कि कैंडी ऑमलेट हमारा थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाता। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो स्प्रिंग अनियन लेंगे और इस तरह से एक साइड से इसको बांध देंगे और दूसरी साइड से भी इस तरह से इसको बांधेंगे। तो हम इसको कैंडी की शेप देंगे। तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और बहुत मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर जाएं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ अब मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो देखें अब मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ अंदर से ये कितना मज़े का लग रहा है। बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी था। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।